आपके पिताजी क्या 2019 से बीमार हैं? माइक ले लो। 5 साल हो गया है, 2019 से बीमार हैं। 2019 से उनको इन्फेक्शन, पेट की दिक्कत, पैर की दिक्कत बनी हुई है। हाथ पैर कुछ नहीं काम कर रहे हैं। और सुन्नपन भी आ गया है उनको। जी जी, शरीर में सुन्नपन आ गया। जी बाला जी, नसों का बिलागज आ गया है। हाँ जी जी, और जी। आपका भी दिमाग उच्चाटित रहता है। जी, लगातार कारोबार की दिक्कत बन रही है। जी जी, आर्थिक उन्नति में अवरोध बना हुआ है। जी, व्यापार की समस्या बनी हुई है। जी, पूरा घर बिखर रहा है वर्तमान में। आपने जो टोटका विद्या की अर्जी लगाई वो भी सत्य है, प्रयोग किया गया है, और आपके ऊपर प्रयोग कह कर के, धमकी दे कर के किया गया है। जाओ, कट जाएगा, किसी का बाल बांका नहीं होगा। और जो तुम्हारा डर है कि पिता की अकाल मृत्यु ना हो जाए, जाओ, उनको भी दीर्घायु का आशीर्वाद है। महाराज जी, हम और हमारा भाई ने पुलिस में फार्म डाला है महाराज जी, उसमें उन्नति होगी या नो व्यापार का? ठीक, धन्यवाद। आपकी तो तैयारी ही जीरो है। तुम्हारे भाई का थोड़ा तुम्हारा वो माइक लो जरा, एक मिनट। तुम्हारा भाई नहीं है? ताऊ का लड़का। हाँ, तुम्हारा भाई नहीं है, सगा नहीं है। भाई है पर सगा नहीं है। हम एक ही में हैं सब लोग अभी। हाँ, अभी एक ही एक है ना। हाँ, तो उसका महाराज जी हो जाएगा यार? उनको आना पड़ेगा जी। ले आऊंगा, मेरे धाम पे ले आऊंगा। हाँ, बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। तो मैं धुआं धक्कड़ कम करना है, नहीं तो तुम्हारे फेफड़न में दिक्कत हो जाए। आओ, हमारा भाई भाई बहुत हाई पाई है। जाओ, खुश रहो, कल्याण होगा। बोलो जय सियाराम। भैया वो लड़का है, बोलो जय सियाराम। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? किसने? सो तुम्हारे? हाँ, किसने? लेकिन इसमें तो कुछ घटना पिटाई की और कुछ लिख करके आई, इसमें शक के आधार पर पिटाई हुई है। माइक लो आप, क्योंकि ये विषय आपका, उसका इसका पुलिस का विषय है। इसमें हमारे पर्चे में जो आया गलत हो, शायद आप जो बोल रही, हमारा अलग आया। हमारे पर्चे में आया कि आपके बेटे की जो पिटाई हुई है वो शक के आधार पर हुई है। आपका भाई साथ में था, रेलवे स्टेशन की घटना है, चोरी की घटना है, चोरी के आधार पर पिटाई हुई, मुंह में चोट लगी हुई है, मुंह में मारा गया है। आपका शक ये है कि आपके भाई ने पिटवाया है, ऐसा ही है, यही जानने आई। पर इसमें उत्तर ये आया कि घटना सत्य है, उस पर ज्यादा चिंता ना करें, आगे हनुमान जी माले। भाई माला है ना गुरु जी, वो रोज कथा देखता है आपको? नहीं नहीं, माला है वो रूम पे, पहले वही मारा था। रेलवे स्टेशन पर भाई ने नहीं मारा, अन्य लोगों ने मारा, चोरी के शक में मारा। आप भाई से कलेश ना बनाए, गलत है। भाई ने तो बचाने का काम ही किया, उसको भी दो पीट में थप्पड़ पड़े थे, लेकिन वह बाद में फिर भीड़ ज्यादा बढ़ते ही पीछे हो गया। इसलिए आप आपस में कलेश ना बनाएं, इसका पूरा फैक्ट यह है। मेरा लड़का क्या गुरुजी गलत है जो गलत इल्जाम लगा रहा है सब? घटना तो सही हुई है, लेकिन उसमें द्वंद हुआ है, इसके बारे में भी हम निकाल के आपको बता रहे। राम राम राम, बालाजी सीताराम, सीताराम। अच्छा, ये कहीं से आ रहे थे वापस? कंपनी? जी। कंपनी जी। कोई काम आम करते हैं क्या?
जी टाइल्स का डिजाइन। हाँ, वहां से वापस आ रहे थे जी। एक मिनट का समय दीजिए आप। राम राम राम, ये भीड़ में कोई इसमें आप वहाँ नहीं होगी तो शायद आपको जानकारी नहीं। हमें तो जो शक्ति ने डिटेल दी है, हम वो डिटेल बता रहे हैं, ना हम वहाँ थे ना आप वहाँ थे। हमें तो शक्ति ने जो डिटेल दी है उस डिटेल को हमने बहुत करीब से देखा पहले, सन्यासी बाबा के बल पर उसको ऐसे निकाला। रेलवे स्टेशन पर पिलर के पास में बैठने वाली चौकी के पास में 6 कुर्सियाँ डली हुई थी, वहाँ पर यह घटना हुई है। वहां पर यह घटना हुई, इस घटना में अमुक आदमी की चोरी हो गई थी, एक आदमी की चोरी हुई। व्यक्ति चोर वह नहीं था, आपका बालक चोर नहीं था, लेकिन वहीं बगल में खड़ा होने के कारण संदेह इस पर गया हुआ है, वह इसकी पिटाई की गई है। मेरे बच्चे चोर नहीं। ये एकदम सही, ये डिटेल है ना, तुम वहां थी ना हम, हमारे पास तो ये डिटेल आई तो हमने आपको बताया। अब आप अपने बारे में भी एक विषय जानना चाहती हैं, जानिए। देखो बुरा ना मानना, हम सच बताएं, आर्थिक तंगी आपके घर में जरूर है पर आप नियत की ठीक नहीं है, आपसे गलतियां बहुत हुई हैं, उसमें बहुत लोगों को दिक्कत जा रही है। हमारे बातों भर में समझ जाओ, हम आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते ताकि किसी स्त्री की बेइज्जती ना हो। आप सही रास्ते पर नहीं हो, गलत रास्ते पर हो, उनको त्यागो। आप अपना स्वयं का बिजनेस डालो, बिजनेस में आप कपड़ों का अथवा पार्लर का अथवा कॉस्मेटिक सामान विक्रय का काम डालो, उससे ही आपका आर्थिक विकास होगा और ये हमारी आज्ञा है, वरना आपका कल्याण नहीं होना है। आप जानो और हनुमान जी जाने। माइक लो, माइक लो। क्या ये बात सही है? कोई संदेह? अगर आपको नाम चाहिए हो तो हम जुड़े हुए लोगों से नाम बता सकते हैं, पिथ मोबाइल नंबर सहित। जी नहीं, हम जानते हैं गुरु जी, आप ये सब बताओगे हम जानते हैं। अच्छा, दूसरा आपका पैसे वाला हम उपाय करवा देंगे, आपका आ जाएगा वापस। आप अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करो, जाओ, आज से आपका जीवन जय जय हो जाए, आशीर्वाद है। क्योंकि कुछ लोग गंदे अतीत से ज्यादा हैं और आपने बहुत भूलें कर दी हैं, अब समाज बैठा है तो हमारी इतने से ही आप जाओ और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको सद्बुद्धि आए, पहली तो यही प्रार्थना है। आप कम नहीं हो, भगवती देवी हो। देखो इसमें आपकी भूल नहीं है, हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे, मजबूरी भी है, मजबूरी के साथ में समाज बड़ा गंदा है, तो ये ठेकेदार वाले कंपनी वाले आपको लालच देते हैं और लालच के चक्कर में। लेकिन आप स्त्री हो, आप अपनी नारी शक्ति को पहचानो, आप दो टूक इनको जवाब दे दो कि हम गलत आचरण पर नहीं जाएंगे, तुम्हें जॉब देना हो दो, नहीं तो थू है तुम्हारी नौकरी पर। सूखी रोटी चाहे खा लो बहन, लेकिन इससे समाज बच जाएगा, उन कंपनी के मालिकों को ठिकाने लग जाएंगे, ये जितने ठेकेदार अत्याचार कर रहे, हम बताना नहीं चाह रहे उनके नाम, नहीं तो उनकी फैक्ट्रियों पर प्रभाव पड़ेगा हमारे बोलने से। लेकिन अब इतने से ही तुम समझ जाओ, तो आप गलत रास्ते पे मत चलो, सतमार्ग पे चलो। हमारा बोलने का आपका बेइज्जती करने का उद्देश्य नहीं है, आपको धर्म के रास्ते पे लाने का उद्देश्य है। ठीक है, जाओ, आशीर्वाद। उसको हम आया है, ठीक है, वो हमारा बहुत प्यारा चेला है, छोटा भाई तुम्हारा, सगा है,
वो बहुत प्यारा चेला है, उसको कहना गुरुजी ने बुलाया, वो सबका सम्मान करेगा, हम पे छोड़ो, ठीक है? हम अर्जी लगा दी, अर्जी लगा दी, जाओ। जय सियाराम, नमः पार्वती पते, हर 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 हर।